की बैठक की, क्या उसमें मुद्दा था, क्या किस तरह कार्रवाई की? आज सामान्य प्रशासन की बैठक थी, इसमें हम तो जिला पंचायत सदस्य हैं, सामान्य प्रशासन में उन्हीं सदस्यों को अपेक्षित रहते हैं जो समिति के अध्यक्ष होते हैं। इनमें विभा पटेल भी समिति की अध्यक्ष थी, और क्योंकि जिला पंचायत का उपाध्यक्ष समिति का शिक्षा समिति का प्रधान अध्यक्ष होता है, तो उनकी 4.5 साल चेयर अध्यक्ष की बगल में लगी थी, आज उनकी चेयर दूर लग गई, जिसके कारण से विभा पटेल नाराज होकर बैठक छोड़कर चली आई। और ये अध्यक्ष की हर बार कोई ना कोई नई रणनीति के तहत काम चलता रहता है, कभी किसी को परेशान करना, कभी किसी को परेशान करना, और टोटल जो जिला पंचायत, जो हम लोग जनता के विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए जो जीत के आए थे, उन सबको अध्यक्ष अभय मिश्रा जी ने पूरा निगेटिव राजनीति करके उन सब सपनों को साकार नहीं होने दिया और उनमें सब में पानी फेर दिया। तो हमारा ये मानना है कि पॉजिटिव राजनीति की दिशा में ये कार्यकाल अच्छा नहीं रहा, और न जनता का अच्छे से विकास हो पाया, न जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत जिन समस्याओं को हम लोगों को सॉल्व करना था, तो जो अपने स्तर से कर पाया तो कर पाया जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से, जिला पंचायत सदस्यों को या जिला पंचायत उपाध्यक्ष को किसी भी प्रकार से कोई साथ नहीं दिया गया, जिसकी हम निंदा करते हैं। ऐसा तो नहीं है, देखिए जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा को भी राजेंद्र शुक्ला जी ने ही बनाया था, और जिला पंचायत उपाध्यक्ष विभा पटेल को भी राजेंद्र शुक्ला जी ने ही बनाया था, और मैं उस समय का गवाह हूँ कि जब हमने राजेंद्र शुक्ला जी के कहने पे अभय मिश्रा जी को वोट दिया था, और उस समय भी राजेंद्र शुक्ला की कसीदे अभय मिश्रा जी पढ़ते थे कि अब राजेंद्र शुक्ला हमारे नेता हैं, वो जैसा कहेंगे जैसा करेंगे वैसा ही हम सब लोगों को उनके नेतृत्व में काम करना है। मगर वो 3 से 4 महीने बाद बड़ा नेता बनने के चक्कर में पंचायती राज संगठन बनाया, और ठीक है अपने पंचायती राज संगठन बनाया, मगर हर जगह धोखाधड़ी की राजनीति करना, मेरे समझ से ये नैतिकता किसी भी व्यक्ति या मानव की नहीं होना चाहिए। उन सबको आपने हर जगह आंदोलन किया, आंदोलन प्रदर्शन करने के बाद भोपाल में भी सबको ले गए, सब अपनी जेब से खर्चे लगा लगा के सरपंच पंच गए और वहाँ लाठी डंडा खाए, और आप अंदर जाके कमलनाथ से पैचअप कर लिए कि आप हमको रीवा विधानसभा से टिकट दे दीजिए, और टिकट जैसे उधर वो हुआ तो आपने सब मिल मिला के और अपने पंचायत आंदोलन को समाप्त कर दिया। जबकि आज भी कमलनाथ की सरकार है, पंचायतों को क्या अधिकार मिला? कोई अधिकार एक्स्ट्रा नहीं मिले, ना कोई अधिकार ज़्यादा दिए गए, केवल लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है और मूर्ख बनाया जा रहा है। कमलनाथ की सरकार तो वैसे भी प्रदेश की जनता को बहुत ज़्यादा दुखी की है, चाहे वृद्धा पेंशन का मामला हो, चाहे विधवा पेंशन का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्या विवाह का मामला हो।